दोस्तों चलिए जानते हैं इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में 9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 9, सौरभ जोशी इंडिया के पहले ऐसे ब्लॉगर हैं जिन्होंने 10 मिलियन का माइलस्टोन क्रॉस किया है। फैक्ट नंबर 8, सौरभ जोशी के भाई पीयूष जोशी को तो आप सब जानते ही होंगे, जिसने अपना गेमिंग चैनल बनाया था पीयूष जोशी गेमिंग के नाम से, जिसने सिर्फ एक ही वीडियो से 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर कर लिए थे। सौरभ जोशी ने 2 ही साल में इंडिया के सारे ब्लॉगर्स को पीछे छोड़ दिया, जिनमें मुंबई का निखिल, फ्लैंक बीस्ट जैसे कई नाम शामिल हैं। फैक्ट नंबर 6, आइए जानते हैं सौरभ जोशी के पास कितनी गाड़ियां हैं। शुरुआत करते हैं बाइक से। उनके पास एक HF Deluxe, एक Duke 200, एक Duke 250 और एक बैटरी वाली स्कूटी है। चलिए जानते हैं उनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। उनके पास महिंद्रा थार, इनोवा क्रिस्टा और एक फॉर्चूनर लेजेंडर है, जो कि उन्होंने तीनों गाड़ियां एक ही साल में खरीदी थी। फैक्ट नंबर 5, सौरभ जोशी के पास कितने घर हैं। सौरभ जोशी के पास 2 घर हैं, एक हांसी हरियाणा में, दूसरा उनके गांव में, और जिसमें सौरभ अभी रहते हैं वो घर रेंट पर है। उसी कॉलोनी में उन्होंने अभी नया प्लॉट लिया है घर बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 4, सौरभ जोशी की फैमिली में एक स्पेशल पर्सन भी है जिसका नाम है ओरियो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ओरियो के इंस्टाग्राम पर 500K प्लस फॉलोवर्स भी हैं, जितना कि शायद आपके भी ना हो। फैक्ट नंबर 3, सौरभ की फैमिली में उनके दादाजी और दादी जी, मम्मी पापा, चाचा चाची और 3 भाई भी हैं। नंबर 2, सौरभ के पापा का नाम हरिंदर जोशी है और उनकी मम्मी का नाम हेमा जोशी है। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1, सौरभ जोशी अपने YouTube चैनल से 1 महीने में कितना कमाते हैं। सौरभ जोशी अपने YouTube चैनल से लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ।